हे गाइस व्हाट्स अप, मैं हूं दिग्विजय। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। गाइस आज की जो वीडियो है उसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कैंडल को आप रीड कैसे करते हैं। बेसिकली बहुत सारे लोग हैं जो ट्रेड करते हैं बट उनको एक जो बेसिक सी चीज़ है कि कैंडल को रीड कैसे करते हैं, किस तरीके से उसका बिहेवियर रीड करते हैं ताकि आपको पता चले कि नेक्स्ट कैंडल किस डायरेक्शन में फॉर्म हो सकती है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लस यहाँ पर जो डॉजी कैंडल है वो कितने टाइप्स की होती है, किस किस टाइप में आपको डॉजी फॉर्म होते हुए दिख सकती है। एंड वीडियो के एंड में आपको ये भी बताने वाला हूँ मेरे टॉप 3 फेवरेट कैंडलस्टिक पैटर्न कौन से हैं जो मेरे को सबसे ज़्यादा रिजल्ट्स देते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा अभी तक तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा देना ताकि एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो स्टार्टिंग विद बेसिक्स, दो तरह की कैंडल होती है आप सभी को पता है, रेड कैंडल एंड ग्रीन कैंडल। जो रेड कैंडल है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में बनती है, ग्रीन कैंडल अपवर्ड डायरेक्शन में बनती है। अब इस कैंडल के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं वो आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सो स्टार्टिंग विद रेड कैंडल, आपको एक डायग्राम यहाँ पर दिख रहा होगा रेड कैंडल का। अब हमेशा ध्यान रखिए रेड कैंडल जो बनती है स्टार्ट होती है वो ऊपर से होती है और जब फिनिश होती है मतलब जब कैंडल क्लोज होती है तब वो नीचे क्लोज होती है। एक जो हाई आपको दिख रहा है जो विक रहती है कैंडल की वो वहाँ तक मार्केट वहाँ तक वो कैंडल गई हुई है। ठीक है, और जो लोएस्ट रहता है कि मतलब लोएस्ट तक यहाँ तक कैंडल गई है फिर देन कुछ ऊपर आके वहाँ पर कैंडल फिनिश हुई है फिर क्लोज हुई है। इस तरीके से बेसिकली इसका मतलब रहता है। सो बेसिकली कैंडल बनना स्टार्ट हुई फिर अपने मैक्सिमम पॉइंट पर गई देन वहाँ से नीचे आई फिर अपने लोएस्ट पॉइंट पर गई फिर जब कैंडल एक्सपायर्ड होने वाली थी उस टाइम पर थोड़ा ऊपर आकर कैंडल फिनिश हो गई। अब इससे बेसिकली आपको बिहेवियर पता चल रहा है कैंडल का टू प्रेडिक्ट नेक्स्ट कैंडल कि किस तरीके से कैंडल ने बिहेव करा है इस पर्टिकुलर कैंडल के अंदर और नेक्स्ट कैंडल कैसे बनने वाली है आप थोड़ा बहुत इससे जज कर सकते हो। इस पूरे जो मैं आपको कैंडलस्टिक बताना चाह रहा हूं कि कैसे कैंडल को रीड करना उसका मतलब ही वही है ताकि आप थोड़ा आगे प्रेडिक्ट कर सको। अब सेम यहां पर ग्रीन कैंडल का होता है, नीचे से कैंडल बनना स्टार्ट होती है ऊपर जाके फिनिश होती है एक्सपायर होती है एंड हाई एंड लो भी आपको सेम पता चलता है। जो मेन बॉडी होती है वो बीच वाली होती है और ऊपर और नीचे जो आपको थिन लाइन दिख रही है उसको हम विक बोलते हैं। अब इस चीज को यूज करके आपको ट्रेड्स कैसे प्रॉफिटेबल कन्वर्ट करनी है। लेट्स से फॉर एग्जांपल आपका यहां पर एक ग्रीन कैंडल आपको मिल रही है बट विद लॉट्स ऑफ रिजेक्शन, मतलब आपकी सिर्फ इतनी सी बॉडी है और आपको रिजेक्शन इतना बड़ा मिला हुआ है, जो आपकी विक है इतनी बड़ी है। इसका मतलब यह है कि मार्केट ऊपर तो गया था बट अब वो मार्केट नीचे की तरफ जाना चाह रहा है एंड फॉर नेक्स्ट 2-3 कैंडल्स आपको देखने को मिल भी जाएगा कि मार्केट आपको 1-2 रेड कैंडल मिली है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द सिनेरियोस में। एंड सेम अगर आपकी एक रेड कैंडल आपको मिल रही है नीचे से आपको रिजेक्शन मिल रहा है फॉर कॉन्टिन्यूअस 1-2 कैंडल्स, अगर आपको 1-2 कैंडल्स में दिख रहा है बड़ी बड़ी रेड कैंडल्स मिल रही हैं बट जो बॉडी है वो छोटी है और आपको उसकी विक ज्यादा है तो आपको पता चलता है हाँ नेक्स्ट कैंडल में मार्केट ऊपर जाने का ट्राई कर रहा है। तो इस तरीके से आपको जज करना है। ठीक है, चाहे आप उसकी विक देखो चाहे आप उसकी बॉडी देखो आपको आइडिया लगाना है कि नेक्स्ट कैंडल किस डायरेक्शन में फॉर्म हो सकती है। अगर आपको बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल्स मिलती है पूरी बॉडी मिल रही है विक आपकी बहुत छोटी है फिर है ही नहीं, इसका मतलब आपको अभी इंडिकेशन मिलता है कि अभी मार्केट कुछ टाइम के लिए उस डायरेक्शन में और रह सकता है। अगर मैं स्टेबल मार्केट की बात यहां पर कर रहा हूं, अगर मार्केट बहुत ज्यादा वोलेटाइल तो वहां पर आपकी ये चीजें ज्यादा वर्क नहीं करती बिकॉज कैसी भी कैंडल्स आपके वहां पर फॉर्म हो सकती हैं बट अगर आप एक स्टेबल मार्केट फाइंड करते हो वहां पर आप ये चीजें आप जो कैंडल का बिहेवियर आप रीड कर सकते हो और उसके अकॉर्डिंग ही अपनी ट्रेड ले सकते हो। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था डॉजी कैंडल कितने तरीके की आपको देखने को मिल सकती है। तो सबसे पहला आता है डॉजी स्टार। आपको मैं सिर्फ डायग्राम के थ्रू समझाने की यहां पर कोशिश करूंगा, यहां पर आपको दिख रहा होगा इस डॉजी स्टार का मतलब ये कि आप जहां से कैंडल बनना स्टार्ट हुई थी वहीं पर वो फिनिश हो चुकी है, ऊपर मूव करी नीचे मूव करी एंड देन बाद में एंड पॉइंट जो है हाईज एंड लोज तक जाके लास्ट में जब एक्सपायर हुई तो सेम पॉइंट पर एक्सपायर होगी। सेकंड यहां पर आती है लॉन्ग एज डोजी, जैसा आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं जिसका एज आपको बहुत बड़ा दिखता है उसको हम लॉन्ग एज डोजी बोलते हैं और आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। इस तरीके के कैंडल्स आपने देखी भी होंगी चार्ट के ऊपर। अब थर्ड आता है यहां पर ग्रेवस्टोन डोजी एंड फोर्थ है यहां पर ड्रैगन फ्लाई डोजी, दोनों को आपको एक साथ एक्सप्लेन करता हूं। ग्रेवस्टोन डोजी अगर आपका एक अप ट्रेंड आपको मिला हुआ है तो आपको एक बहुत बड़ी विक के साथ एक छोटा सा आपको बॉडी के साथ आपको कैंडल मिलेगी उसको ग्रेवस्टोन डोजी बोलते हैं। लाइक दिस, अगर आपकी ये विक है और नीचे इतनी सी आपकी बॉडी है, ठीक है, तो इस तरीके से आपको जस्ट लाइक अ ग्रेवस्टोन आपको एक कैंडल मिलती है और फिर वहां से मार्केट चेंज का आपको इंडिकेशन मिलता है। एंड सेम ड्रैगन फ्लाई डोजी के अंदर आपको एक डाउन ट्रेंड रहता है, वहां से आपको एक छोटी सी बॉडी मिलती है, नीचे आपको बहुत बड़ी विक मिलती है और फिर वहां से अप ट्रेंड का चेंज का आपको इंडिकेशन मिलता है, बेसिकली उसको आप बोलते हो ड्रैगन फ्लाई डोजी। इसके ऊपर मैंने इन दोनों ही पैटर्न्स के ऊपर बहुत डिटेल में मैंने वीडियो बनाई हुई, आप जाकर देख सकते हो, आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा और कोई भी आपका डाउट रहता है इनसे रिगार्डिंग तो आप उसे पूछ भी सकते हो।
सो ये तो हो गई डॉजी के टाइप्स। अब बात करते हैं कौन से मेरे तीन फेवरेट पैटर्न्स हैं, चार्ट पैटर्न्स हैं जिनको मैं यूज करता हूँ, जिनके ऊपर मैं मोस्टली ट्रेड करता हूँ और मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। सो नंबर थ्री पर आती है मास्टर कैंडल और इनसाइड कैंडल पैटर्न। ये इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, चाहो तो आप डिटेल में जाकर देख सकते हो और मुझे ये अच्छा खासा रिजल्ट देती है, इसलिए मेरे लिस्ट में ये थर्ड नंबर पे आती है। सेकंड नंबर पे आता है हैमर कैंडल पैटर्न, बहुत ही इजीली विजिबल है चार्ट पैटर्न्स पे, अच्छा खासा इसके रिजल्ट्स रहते हैं और ये है मेरी लिस्ट में सेकंड नंबर पे। अब बात करते हैं फर्स्ट नंबर जिस जो मेरे को सबसे ज्यादा एक्यूरेट लगती है, सबसे ज्यादा रिजल्ट्स मेरे को मिलते हैं, थ्री ब्लैक सोल्जर, जिसके ऊपर रिसेंटली मैंने वीडियो बनाई, आप जाकर देख सकते हो डिटेल के अंदर विद अ ट्रेड भी मैंने आपको दिखाई हुई उसके अंदर, बहुत ही एक्यूरेट है। अगर इन कंपैरिजन अगर अपन कंपेयर करते हैं सारे चार्ट पैटर्न्स को, बहुत अच्छा रिजल्ट देती है और बहुत बार आपको चार्ट्स के ऊपर ही देखने को मिल भी जाता है, चाहे आप कोई भी प्लेटफॉर्म यूज करते हो, हर जगह आप इसको यूज कर सकते हो। सो गाइज ये थी आज की वीडियो चार्ट पैटर्न्स के बारे में, फेवरेट चार्ट पैटर्न मेरे कौन से हैं, कैंडल को कैसे रीड करना है ताकि आप नेक्स्ट कैंडल को प्रेडिक्ट कर सको। ट्राई करा है मैंने, अगर आपको अच्छा लगा हो कॉन्टेंट तो प्लीज लाइक जरूर करना और इस तरीके के कॉन्टेंट आपको आगे भी चाहिए तो आप कॉमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। चैनल को आपने सब्सक्राइब कर ही दिया होगा, सिंगल ग्रुप्स आपको ज्वाइन करने हैं, ऑल इन ट्रेड बाय नमो, कोई भी सिंगल ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं है। टेलीग्राम के ऊपर फ्री सिंगल्स प्रोवाइड करता हूं, ज्वाइन कीजिए और फायदा उठाइए। टेलीग्राम चैनल जहां पर मैं सारी अपडेट्स देता हूं वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। किसी भी रिगार्डेड कोई क्वेरी करनी है, दोनों सपोर्ट के लिंक बायनम और ऑल इन ट्रेड के आपको लिंक मिल जाएंगे टेलीग्राम के, मैं वहां पर आपको रिप्लाई करूंगा जो भी आपकी क्वेरीज होंगी। जितने अगर आपको ग्रुप में ज्वाइन होना है वहां भी आप मुझसे क्वेरी कर सकते हो, कैसे आपको ग्रुप में ज्वाइन, आपको प्रोसेस बता दिया जाएगा और उसके थ्रू आप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो। कोई चार्जेस एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैं नहीं लिए जाते हैं। सो ज्वाइन कीजिए, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए इस वीडियो का एंड तक देख ले, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।